Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today's topic is data retention. In this video, we will learn what is data retention and which kind of policies we implement for data retention. Let's start with this. Data retention means where do we keep our sensitive data stored? Definitely, it should be kept in a secure way or in a proper way. Data retention means कि हम जो data है उसको हम लोग किस तरह manage करते हैं और कहाँ पे उसको store करते हैं, उसकी क्या guidelines हैं और उसकी क्या policies हैं जिसको follow करते हुए हम लोग data retention करते हैं, ठीक है? Data retention की guidelines involve all stakeholders in the process of aligning the business and legal requirement for the data retention policies. जब भी इसकी basic guidelines में तो यही है कि सब stakeholders उन सबको involve करते हैं, ठीक है? और business की legal requirements को भी देखते हुए data retention की policies को बनाते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है जी, जो भी policies बनेगी उसको monitor किया जाता है, review किया जाता है, update किया जाता है documents को, ठीक है? और आर्काइविंग प्रोसीजर्स जो है उनको भी फॉलो किया जाता है, ठीक है? फिर पॉलिसी जो होती है किस किस्म की होनी चाहिए, इसके अंदर किस किस्म की पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए हमें, ठीक है? डेटा रिटेंशन पॉलिसी शुड बी आउटलाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी जितना भी रिकॉर्ड्स हैं आपके डेटा के उनकी क्लासिफिकेशन पहले तो होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसमें ये भी होना चाहिए कि किस टाइम इसकी डेटा को रिटेंशन किया जाएगा और कब इसकी डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है? ये सारे शेड्यूल उसके अंदर तय होने चाहिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में। फिर आप जो भी पार्टी रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिटेंशन और डिस्ट्रक्शन वो भी इन्वॉल्व उसके अंदर उसके बारे में भी लिखा जाएगा, ठीक है? इसके बाद आप प्रोसीजर्स यूज फॉर डिस्ट्रक्शन, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे डाटा को डिस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है? फिर ट्रेनिंग भी इसके अंदर ही इन्वॉल्व होगी, ठीक है? और पॉलिसी शुड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मस्ट, ओके, व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, कौन सा डाटा स्टोर करेंगे, हाउ लॉन्ग इज इट स्टोर, कितनी देर के लिए स्टोर करेंगे और वेयर इज इट स्टोर, कहाँ पे इसको स्टोर करेंगे, ये सारी की सारी हमें डेटा रिटेंशन पॉलिसी के अंदर डिफाइन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लेके आना पड़ता है, ठीक है? ये बेसिक गाइडलाइंस हैं और पॉलिसीज हैं इसकी। फर्दर देखते हैं जी, हाँ जी, फर्दर क्या है जी कि डेटा रिटेंशन क्या है जी, डेटा शुड नॉट बी केप्ट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ यूजफुलनेस और बियॉन्ड द लीगल रिक्वायरमेंट विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है? हमें कोई भी ऐसा डेटा जो आप जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको स्टोर नहीं रखना चाहिए, ठीक है? और ये भी देखना है कि वो कितनी देर तक आप उसको स्टोर रख सकते हैं, ठीक है? अगर रेगुलेशन की बात करें तो हिपा का लॉ है और पीसीआई डीएसएस जो लॉज हैं, ठीक है, वो भी उनके भी रिक्वायरमेंट है कुछ है, ठीक है, कि आप एक साल के लिए रख सकते हो डाटा को अगर वो यूज़ नहीं हो रहा, या थ्री ईयर्स के लिए रख सकते हो या सेवन ईयर्स के लिए उसको, और इन्फिनिटी टाइम के लिए भी रख सकते हो, ठीक है? ये उनकी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो भी लॉज और रेगुलेशंस है कंपनी अपना रही है, ठीक है? फिर डाटा कम्स इन अ मेनी फॉर्मेट, स्टोरिंग द डाटा इन ओरिजिनल फॉर्मेट में भी रेंडर इट इन एक्सेसिबल लेटर इन टाइम, बिल्कुल जब भी आप डाटा स्टोर करते हो सकता है वो डिफरेंट फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो उसको बेटर है कि आप उसकी प्रॉपर टैगिंग कर लें, यानी कि आपको वो उसकी नेमिंग कर लें ताकि आपको याद हो फ्यूचर में कि बाद में जब आप एक्सेस करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि इस फाइल के अंदर क्या चीज़ है, इस फाइल के अंदर क्या चीज़ है। फिर क्या है जी, इंडेक्सिंग कर लेनी चाहिए, ठीक है, आर्काइव डाटे की, ताकि फ्यूचर सर्चेज के लिए इजी हो, ठीक है। फिर क्या होता है जी कि आप जो भी इंडस्ट्री है उसके अपनी रेगुलेशंस हैं और कंपनी पॉलिसीज हैं, ठीक है, वो दूसरी कंपनीज की पॉलिसी से भी डिफर कर सकती हैं, ठीक है, और उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं डेटा रिटेंशन पॉलिसीज की, ठीक है। फिर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये जरूरी है कि अपने डेटा रिटेंशन की रिक्वायरमेंट को आपको पता होना चाहिए। दिस वॉज टूडे टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड डेटा रिटेंशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।